तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये करीब 11:15 बजे आग लगी थी। ये देख सकते हैं आप कितनी भयंकर आग लग चुकी है। और अब दोस्तों 12:30 बज रहे हैं, तो काफ़ी बहुत नुकसान हो चुका है। करीब यहाँ पर 4 से 5 दर्जन बिटोड़े थे, जिसमें 2 दर्जन बिटोड़ो जलकर खाक हो चुके हैं। और गाँव वाले भी पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी भयंकर दोस्तों आग लगी हुई है। तो दोस्तों प्रशासन को भी फ़ोन कर दिया है और पुलिस मौके पर दोस्तों पहुँच चुकी है। और आग भयंकर है, करीब 2 दर्जन दोस्तों बिटोड़े जलकर खाक हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं पुलिस भी मौके पर मौजूद है यहाँ पे, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फ़ोन कर दिया था दोस्तों, वो भी आ चुकी है। ये करीब 2 घंटे बाद आई है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ी है उसको खड़ा कर दिया है और इसे चालू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी दोस्तों, आप देख सकते हैं आ चुकी है। और इसका ये दोस्तों 2 घंटे पहले इन्हें जब आग लगी थी जब ही फ़ोन कर दिया था, तो आने में इन्हें समय लगता है। हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर से ये गाड़ी आती थी। आज दोस्तों 10 का दिन है, तो ये शुक्रतार गई थी, इनसे बात किया तो वहाँ से आने में इन्हें करीब 1 से 1.5 घंटा लगा है। इसके बावजूद पहले से जो लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब भी लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं भयंकर आग की स्थिति बनी हुई है, और कुछ जो भी थोड़े उस तरफ खड़े हैं वे बचा लिए गए हैं, लेकिन अब भी आग बहुत तेज़ लग रही है। अब करीब 1:30 बजे का समय हो चुका है, और अब जो आग बुझाने वाले सैनिक हैं, ये आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है लग चुकी है, चालू हो चुकी है, और आग बुझाने का काम चालू हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, सभी बिचौड़े जलकर खाक हो चुके हैं, करीब 2 दर्जन, और कुछ बिचौड़े गांव वालों ने बचा लिए हैं, जो समरसेबल और बाल्टियों की सहायता से कोशिश करी, मेहनत करी, उन्हें बचा लिया गया है। तो अब फायर ब्रिगेड की जो टीम आई है वे अपना कार्य कर रही है, और इस तरफ भी आग काफ़ी जल रही है। तो आज बहुत ही भयंकर हादसा होने से बचा है दोस्तों, काफ़ी बिटोड़े जल के खाक हो चुके हैं। आग का पता नहीं लगा किस कारण से आग लगी है। तो ये आप देख सकते हैं अभी आग जल रही है, और जो फायर ब्रिगेड आ चुकी थी उससे आग बुझाने का कार्य अब भी जारी है। अब लगभग दोस्तों समय हो चुका है 1:45, तो 11:15 बजे से ये आग लगी थी, जो अब ये भयंकर रूप ले चुकी है, और कितने ही बिटोड़े इसमें खाक हो चुके हैं। ये देख सकते हैं जो सैनिक हैं वे आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आग का कारण का तो पता नहीं लगा। ये आप देख सकते हैं जो गांव वाले भी इस तरफ खड़े हैं, और काफ़ी मेहनत जो की है गांव वालों ने आग बुझाने की, तो कुछ बिटोड़े इसमें बचा लिए गए। तो लगभग आग बुझाने का काम दोस्तों पूरा हो चुका है। ये देख सकते हैं काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, और आग को बुझा लिया गया है। तब भी काफ़ी गांव वालों का काफ़ी नुकसान है, ये आप देख सकते हैं। और इधर ये गांव वाले खड़े हैं, और कुछ गांव वालों ने मेहनत की, समरसेबल वगैरह बाल्टियों से जो आग को बुझाने की कोशिश की, और आग पर सभी के सहयोग से काबू पा लिया गया है। तो ये देख सकते हैं आज बहुत ही भयंकर हादसा होने से दोस्तों बच गया है। करीब 2 दर्जन बिटोड़े इसमें खाक हो चुके हैं, और कुछ बिटोड़ों को बचा लिया गया है गाँव वालों की सहायता से। ये इधर लोग खड़े हैं आप देख सकते हैं, और जो आग बुझाने का कार्य है, छतों पर भी लोग हैं, आग बुझाने का कार्य अभी चल रहा है। तो दिन के लगभग दोस्तों 2 बज चुके हैं, और आग को लगे हुए 11:15 बजे लगी थी बताया जा रहा है। तो 2 घंटे करीब, 2 से 3 घंटे के करीब दोस्तों आग को लगातार चले हुए हो गया, और आग पर लगभग अब काबू पाया गया है। ये देख सकते हैं जो फायर ब्रिगेड के सैनिक हैं दोस्तों, वे अपने कार्य में लगे हुए हैं, और आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन आग के कारण का कोई पता नहीं चला किस कारण से आग लगी है। तो ये वीडियो दिखाने का आपको ये मकसद है दोस्तों, कि आप नुकसान कितना हुआ है देख सकें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।